नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कल हुए आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2017 के मैच के रिजल्ट के बारे में। कल कौन सी टीम के बीच मैच हुआ था और इस मैच का रिजल्ट क्या रहा, इस मैच का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिला, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कल की मैच की डेट और वार थी 5 जुलाई 2017 बुधवार। कल की मैच की टीम थी श्रीलंका वुमेन और इंडिया वुमेन। कल कौन सा मैच खेला गया था, कल 14वां मैच खेला गया था। कल के मैच का ठोस क्या रहा, इंडिया वुमेन ने यह ठोस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कल के मैच का रिजल्ट क्या रहा, कल के मैच का रिजल्ट यह रहा कि इंडिया वुमेन ने यह मैच 16 रनों से जीत लिया। कल के मैच का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिला, कल के मैच का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दीप्ति शर्मा को मिला, जिन्होंने 110 बॉल पे 78 रन बनाए। अब हम बात करते हैं श्रीलंका वुमेन और इंडिया वुमेन के टोटल स्कोर के बारे में। पहले हम बात करते हैं इंडिया वुमेन का टोटल स्कोर रहा कल 232 रन 8 विकेट खोकर 50 ओवर के अंदर। श्रीलंका वुमेन का टोटल स्कोर रहा 216 रन 7 विकेट खोकर 50 ओवर के अंदर। अब हम बात करते हैं श्रीलंका वुमेन और इंडिया वुमेन के टीम प्लेयर के बारे में। पहले हम बात करते हैं इंडियन वुमेन के कैप्टन और विकेट कीपर के बारे में। इंडियन वुमेन के कैप्टन का नाम है मिताली राज और विकेट कीपर का नाम है सुषमा वर्मा। अब हम बात करते हैं श्रीलंका वुमेन के कैप्टन और विकेट कीपर के बारे में। श्रीलंका वुमेन के कैप्टन का नाम है इनोका रानावीरा और विकेट कीपर का नाम दिलानी मनोडारा। तो दोस्तों, ये था कल के मैच का रिजल्ट। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।